मेरे भाइयों, मैं बहुत ज़्यादा गुफ्तगू न करते हुए सदर मोहतरम हफीज़ुल्लाह से मुअद्दबाना गुजारिश करता हूँ कि सदर मोहतरम आए और अपने सदारती खिताब से हम सामईन को महजूज़ फरमाएँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबियाए वल मुरसलीन मुहम्मदिन व आलिही व सहबी अजमईन, अम्मा बाद। मुअज्जज़ हाज़रीन, ख़वातीन इस्लाम, सबसे पहले मैं आप लोगों से ये कहूँगा कि आगे हो जाएं, ऐसा नहीं है कि इधर जगह छोड़ रखें, इधर भी आगे आ जाएं। मजलिस के आदाब में ये है कि कोई जगह खाली ना छोड़ी जाए ताकि बाद में लोगों को पीछे बैठना पड़े और बीच में जगह खाली रह जाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन का ये फ़ज़लो करम और उसका अदीम शुक्र व एहसान है कि उसने हम लोगों को अपने इस घर में कुरान व हदीस की बातों को सुनने का मौका इनायत फरमाया। सबसे पहले मैं इस मस्जिद के मुसल्लियान का शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने हम तमाम लोगों को कुरान व हदीस की बातों को कहने और सुनने का मौका नसीब फरमाया। अल्लाह रब्बुल आलमीन से हमारी ये दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन उनके इस अमल को शर्फ़ कबूलियत से नवाजे और दुनिया और आखिरत में इसका बेहतरीन सिला नसीब फरमाए। हम और आप अच्छी तरह ये जानते हैं कि मस्जिद ये अल्लाह का घर है और इस रुए ज़मीन पर अल्लाह रब्बुल आलमीन के नज़दीक सबसे महबूब जगह है। अहब्बुल बिलाद इलल्लाह मसाजिदुहा, अल्लाह रब्बुल आलमीन के नज़दीक सबसे महबूब जगह उसकी मस्जिदें हैं और सबसे बेहतरीन मजलिस इस खित्ते अर्दी पर, इस रुए ज़मीन पर वो मजलिस है जिसमें कुरान व हदीस की बातों को बयान किया जाए। गोया कि हम और आप सबसे बेहतर जगह और सबसे बेहतर मजलिस के अंदर हाज़िर हैं। इस मजलिस के अजर व सवाब के बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि फ़रिश्ते ये चक्कर काटते रहते हैं, घूमते फिरते रहते हैं। जहाँ इस किस्म की मजलिसें मिलती हैं फ़रिश्ते उनको घेर लेते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमतें और बरकतें ऐसे लोगों के ऊपर नाज़िल होती हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसे लोगों के गुनाहों को माफ़ फरमाते हैं। गर्दे की इस मजलिस के बेशुमार फवायद हैं। हम जिस नीयत के साथ, इखलास के साथ यहाँ आए हैं, ज़रूरत इस बात की है कि जो कुछ हम इस मजलिस में सुनें उसके मुताबिक अमल करने की कोशिश करें, यही कामयाबी है और इस मजलिस में हाज़िर होने का यही मकसद है। हम और आप अच्छी तरह ये जानते हैं कि हमारा दीन इस्लाम ये एक पाकीज़ा और साफ सुथरा दीन है और इसकी तालीमात ज़िंदगी के तमाम गोशों को मुहित है। चाहे हालात जैसे भी हों, सूरत हाल जैसी भी हो, हर हालात में इस्लाम ने हमारी रहनुमाई फरमाई है और हमको हिदायत दी है। हम और आप अच्छी तरह ये जानते हैं कि ये एक वबाई बीमारी फैली जिसकी शुरुआत चीन से हुई और आनन-फानन देखते ही देखते दुनिया के बेशतर मुल्कों के अंदर ये वबाई बीमारी फैल गई और कुछ लोग उसके चपेट में आए। लेकिन ये बीमारी कितनी मोहलिक है और कितनी ख़तरनाक है, इससे इस बात का अंदाज़ा लगता है कि जितने तेज़ी के साथ इसने लोगों को चपेट में लिया और बहुत सारे लोग इसकी गिरफ्त में आए, लेकिन अमवात का तनासुब, मरने का तनासुब बहुत कम है। इससे ये अंदाज़ा लगता है कि चाहे इस बीमारी के ज़रिए लोगों को दिक्कतें और परेशानियां जितनी भी हों,
लेकिन मौत का तनासुब बहुत कम है। डेढ़ दो महीने का अरसा गुज़र रहा है और 6,000 अमवात पूरी दुनिया के अंदर हुई हैं। सबसे ज़्यादा चीन के अंदर, दूसरे नंबर पर इटली है, तीसरे नंबर पर ईरान है। हमारे इतने बड़े मुल्क के अंदर 3 मौतें हुई हैं इस बीमारी से और 150 से ज़्यादा मरीज़ पाए गए हैं इस वायरस के शिकार। अब आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये मामूली सा जरासीम है जिसने पूरी दुनिया को इस तरीके से खौफज़दा कर रखा है। लोग बेचैनी और बेकरारी का शिकार हैं। बड़ी बड़ी हुकूमतें और सल्तनतें लर्दा बरअंदाम हैं और उनके ऊपर दहशत और खौफ तारी है। हुकूमतें अलर्ट हैं और इस चैलेंज का मुकाबला करने के लिए हुकूमत की तरफ से तरह तरह के बयानात आते हैं। हमको ये समझना चाहिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के अज़ाब का मुकाबला दुनिया की पूरी हुकूमतें नहीं कर सकती। एक हुकूमत का क्या मामला, एक मुल्क की हुकूमत उस चैलेंज का मुकाबला नहीं कर सकती। अल्लाह रब्बुल आलमीन इस किस्म की बीमारियों को दुनिया के अंदर भेजता है और आए दिन हम ये देखते हैं नए नए नामों से बीमारी हमको सुनने में आती है। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन लोगों को मतनब्बह करना चाहता है, जगाना चाहता है कि तुम मेरी कुदरत को समझो और मेरी ताकत को मानो, मैं सबसे बड़ा हूँ। हम लोग कहते हैं अल्लाह अकबर, यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा ताकतवर है। इस बात पर हमारा ईमान होना चाहिए। बीमारियाँ लोगों को लगती हैं और लोगों को अपनी चपेट में लेती हैं, ये यकीनन ऐसी सूरत है, लेकिन इस किस्म की बीमारियों से बचाव के लिए हमारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्या हिदायत हैं, उनको भी मलहूज़े खातिर रखने की ज़रूरत है। सही बुखारी की रवायत है, साद बिन अबी वक्कास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है, वो फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इज़ा समितुम बिताउन बेअर्दिन, जब ताउन की बीमारी के बारे में किसी मुल्क के अंदर तुमको ताउन की बीमारी की खबर लगे, उसके बारे में तुम सुनो, फला तदखुलूहा, तो उस मुल्क और उस शहर में दाखिल मत हो, उस मुल्क और शहर में मत जाओ। जब ताउन की बीमारी के बारे में किसी मुल्क या किसी शहर के अंदर तुमको ये पता चले कि फला मुल्क और फला शहर के अंदर ताउन की बीमारी फैली हुई है, तो तुम उस मुल्क के अंदर मत जाओ। और वैदा अवा का बेअर्दिन, और जब ताउन की बीमारी किसी इलाके में वाक़ हो जाए, वन तुम बेहा, और तुम लोग उस इलाके में, उस शहर में, उस मुल्क में मौजूद हो, फला तखरुजु मिनहा, तो उस मुल्क से मत निकलो, उस मुल्क से मत भागो। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिदायत है। ताउन की बीमारी जो एक वबाई बीमारी थी, हम लोग बचपन में ये देखते थे कि चेचक की बीमारी भी वबा की शक्ल में आती थी, कालरा भी वबा की शक्ल में आता था और अमवात भी उसमें होती थी और लोगों को काफ़ी परेशानियाँ झेलनी पड़ती थीं। तो इस तरीके की बीमारियाँ आती रहती हैं और इन किस्म की बीमारियों से बचने का अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही तरीका बताया है कि जहाँ कहीं भी ये वबाई बीमारी फैल जाए, उस शहर और उस इलाके के लोग छोड़ करके दूसरे शहर और दूसरे इलाके में ना जाएं, और दूसरे इलाके के लोग भी उस इलाके और उस शहर में ना जाएं जहाँ वबाई बीमारी फैली हुई हो, और आप देख लें उस पर अमल नहीं हुआ और पूरी दुनिया के अंदर धीरे धीरे ये बीमारी फैल गई। और इस तरीके से हमारे मुल्क के अंदर नौबत यहाँ तक पहुँची हुई है कि जितने स्कूल हैं, कॉलेज हैं, सब बंद कर दिए गए। मार्केटें कुछ इलाकों में क्या है, बड़े बड़े बाजार थे वो बंद कर दिए गए, होटल बंद कर दिए गए, आने जाने पर लोगों को पाबंदी लगा दी गई। बल्कि अमेरिका के अंदर 2 शहरों में बाकायदा कर्फ्यू नाफिस कर दिया गया है ताकि लोग अपने घरों से ना निकलें। और ये इस किस्म का पैगाम दुनिया वाले मुसलमानों को दे रहे हैं, दुनिया वालों को दे रहे हैं कि सफाई सुथराई का अहतमाम करो,
और अपने हाथ को धुलो, साबुन से धुलो, इस तरीके से ये है वो है, ये तमाम चीज़ें बता रहे हैं, जबकि हमारे इस्लाम के अंदर ये तमाम तालीमात मौजूद है। जो लोग पक्के सच्चे और मुसलमान हैं वो पांच वक्त की नमाज अगर पाबंदी के साथ पढ़ते हैं तो 24 घंटे में 5 मरतबा अपने हाथ और पैर को धुलते हैं, अपने चेहरे को धुलते हैं, अपने मुंह के अंदर कुल्ली करते हैं, मिसवाक करते हैं, नाक में पानी डालते हैं। ये तमाम नज़ाफ़त और सफाई और सुथराई का मामला है इस्लाम के अंदर। अत्तहूर शत्रुल ईमान कहा गया है कि तहारत और पाकिदगी ईमान का आधा हिस्सा है। और जो लोग नजासत, गलाजत, गंदगी के अंदर हैं वो लोग दुनिया वालों को ये तालीम दे रहे हैं, सफाई और सुथराई का दर्स सिखा रहे हैं इस बीमारी से बचाव के लिए। तो बीमारी से बचाव के लिए एहतियाती तदाबीर ये ज़रूरी है, ये अल्लाह पर तवक्कुल के मुनाफी नहीं है। इलाज और मुआलजा करना, दवा करना, किसी बीमारी से शिफा पाने के लिए किसी डॉक्टर के पास जाना, ये तवक्कुल के मुनाफी नहीं है। बल्कि जो तरीका अल्लाह तबारक ताला ने और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बीमारियों से शिफायाबी का जो तरीका बताया है, उस तरीके को अपनाया जाए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, दो मर्दाकुम बिस्सदका, अपनी बीमारियों का इलाज सदक़े से करो, दुआ करो कि अल्लाह रब्बुल आलमीन तुमको बीमारी न लगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुख्तलिफ दुआएँ हमको सिखलाई हैं, अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुकल अफ्व वल आफियत फ़ी दीनी व दुनियाई व अहली व माली। इसी तरीके से अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका मिन मुनकरातिल अखलाक वल आमाले वल अहवाए वल अदवाए। ऐ अल्लाह ताला, मैं तेरी पनाह चाहता हूँ बुरे अखलाक से, बुरे आमाल से, बुरी ख्वाहिशात से और ख़राब बीमारियों से। इसी तरह हदीस के अंदर आता है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जिसको हम लोग मंगरेला कहते हैं, मंगरेला ये हर बीमारी की दवा है। हर बीमारी की दवा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कलौंजी को और मंगरेला को बताया है। इन्नहादिल हब्बत सौदा शिफाउन मिन कुल्ले दाइन, कि ये काला दाना हर बीमारी से शिफा का दरिया है। इसमें शिफा अल्लाह ताला ने रखा है। और हम लोग पहले देखते थे अपने घरों के अंदर कि वो औरतें क्या है, जो मुअम्मर किस्म की होती थीं, वो इस किस्म की रोटियां बनाती थीं, उसमें प्याज और नमक और ये मंगरेला डाल करके बनाती थीं। लेकिन वो धीरे धीरे ये तमाम चीज़ें क्या है, ख़त्म हो गईं। तो इलाज का ये ज़रिया बताया है। और इसी तरीके से मुअव्वज़तैन पढ़िए, कुलऊज़ु रब्बिन्नास कुलऊज़ु रब्बिल फलक, इसको फूंक कर अपने हाथ पर दम कीजिए, अपने जिस्म पर उसको फेरिए, ये बीमारियों से बचाव का ज़रिया है। आयतुल कुर्सी पढ़िए। ज़रूरत इस बात की है कि दुआ भी कीजिए, एहतियाती जो तदाबीर हैं उन तदाबीर को भी इस्तेमाल में लाइए। बल्कि जितनी भी बीमारियाँ अल्लाह रब्बुल आलमीन नादिल फरमाता है उसकी दवा भी नादिल फरमाता है। सही बुखारी की रिवायत है, मा अंज़लल्लाहु दान इल्ला अंज़ललहु शिफ़ान, जितनी भी बीमारियाँ अल्लाह रब्बुल आलमीन नादिल फरमाता है उन बीमारियों का इलाज भी नादिल फरमाता है। दुनिया वालों को वहाँ तक रसाई न हो उस बीमारी, अभी तो इस बीमारी का पता ही नहीं चल पाया है। दुनिया ने बहुत तरक्की की, दुनिया के पास बहुत सारे वसाइल और ज़रिए हैं, बहुत सारी मशीनें हैं और जांच के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन दुनिया वाले अभी ये पता नहीं लगा पाए कि ये वायरस या ये बीमारी किस वजह से फैली है, इस बीमारी का सबब क्या है। तो जब फहाशी, बदकारी, जिना कसरत से होती है तो हदीस के अंदर आता है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसी ऐसी बीमारियों को पैदा फरमाता है जिसका नाम लोग नहीं सुने होंगे। कोरोना वायरस किसी ने आज तक सुना था? ये नई बीमारी, इस किस्म की नई नई बीमारियां आएंगी। और दुनिया वालों के लिए ये चैलेंज है, कुरान के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को जो मौजदे के तौर पर दिया था, तो चूंकि वो ज़माना फ़न तिब में महारत का था, डॉक्टरी बड़ी अरूज पर थी, मेडिकल साइंस को बड़ी तरक्की हासिल थी, उनको अपने ऊपर नाद और घमंड था कि हम हर बीमारी का इलाज कर सकते हैं, हमारे पास हर किस्म की बीमारी का इलाज है। चुनांचे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो बर्स की बीमारी थी, सफ़ेद दाग था, उसका इलाज उनके पास नहीं था,
उससे वो आजिज़ और कासिर थे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को मोजज़े के तौर पर यह दिया उबरहुल अकमह वल अबरसा कि वो क्या करते कि अगर माँ के पेट से कोई अंधा पैदा हुआ है तो उसको बीनाई अता कर देते। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुक्म से था। इसी तरह बर्थ की बीमारी जिसको होती उसको शफा दे देते। वह इल्मौता और मुर्दों को ज़िंदा कर देते अल्लाह के हुक्म से। ये मौजज़ा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनको अता फरमाया था। तो कहना यह है कि वो रोज़ाना नई नई बीमारियाँ आती रहेंगी। ज़रूरत इस बात की है कि हम उन बीमारियों से अगर अपना बचाव चाहते हैं, अपना तहफ़ चाहते हैं, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करें और अल्लाह रब्बुल आलमीन और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो एहतियाती तदाबीर बताई हैं या आज के ज़माने में डॉक्टर वगैरह जो एहतियाती तदाबीर बता रहे हैं उन तदबीरों को इस्तेमाल में लाया जाए, उसके मुताबिक अपने आप को रखा जाए। सफाई और सुथराई तो तमाम बीमारियों के खात्मे का ये सबब है, ये समझ लीजिए। जहाँ गंदगी होगी, गलादत होगी, कूड़ा करकट होगा, कूड़ा कबाड़ होगा, जहाँ गंदगी का अंबार होगा, वहाँ बहुत सारी बीमारियाँ दस्तक देंगी, बहुत सारी बीमारियाँ फैलेंगी। ज़रूरत इस बात की है कि हम लोग हालात को समझें, और ये ईमान की कमज़ोरी की अलामत नहीं है। सऊदीया वगैरह ने जो पाबंदी लगा रखी है उस पर कोई तबसरा और तनकीद करने की ज़रूरत नहीं है। वो लोग अपने हालात को ज़्यादा जानते हैं, वहाँ के बारे उलमाए अहले हदीस जो हैं, किबारुल उलमा की जो कमेटी है, हयात किबारुल उलमा, उन्होंने बाकायदा उस पर बहस की है और बहस के बाद ये फ़ैसला सादिर फरमाया गया है कि मस्जिदों को बंद रखा जाए, अजान होगी। और आपने सुना भी होगा कि वो मौज़िन अजान देता है लेकिन फिर उसके बाद क्या कहता है, अला सल्लू फी रिहालिकुम। ये जुमला जब वो मौज़िन कहता है तो रोता है, उसकी हिचकी बन जाती है, यानी उसको इस बात का एहसास है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमको इस किस्म के अजाब के अंदर मुब्तला किया है। ये अजाब की एक शक्ल है जिसकी वजह से उनके जिस्म के ऊपर कपकपी तारी हो जाती है और रोते हैं, अला सल्लू फी रिहालिकुम, कि ऐसे नाजुक हालात पैदा हो गए कि हम लोग मस्जिद में इकट्ठा नमाज नहीं पढ़ सकते, अपने घरों के अंदर नमाज पढ़ो। सल्लू अला सल्लू फी रिहालिकुम, ये वो मौज़िन ऐलान करता है अज़ान कहने के बाद कि अपने घरों में तुम लोग नमाज पढ़ो, मस्जिद के अंदर आना नहीं है। तो इस तरीके की सूरत हाल है। बहरहाल हमको अल्लाह रब्बुल हम मोमिन हैं, मुसलमान हैं, हम अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ रुजू करें, अल्लाह रब्बुल आलमीन से तौबा और इस्तिग़फ़ार करें, दुआ करें, सदका व खैरात करें। बीमारियों से बचने का यही तरीका है, इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है। इलाज व मुआलजा तो अलग है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से हमारी ये दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारी इस मजलिस को खैर व बरकत का ज़रिया बनाए और जो कुछ हम सुने उसके मुताबिक हमें कहने और सुनने से ज़्यादा अमल करने की सआदत नसीब फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन जिन लोगों ने इस प्रोग्राम को सजाया है, इस मजलिस को मुनक्किद की है, अल्लाह रब्बुल आलमीन उनके इस नेक अमल को कबूल फरमाए। और जो लोग इस मजलिस के अंदर हाजिर हुए हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन तो उनकी गुनाहों के मगफरत का ज़रिया बना दे, उनको नजात का ज़रिया बना दे और ज़खीरे आखिरत उनके लिए मुकर्रर कर दे। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमको दुनिया के अंदर जब तक ज़िंदा रखे, ईमान व इस्लाम पर ज़िंदा रखे, और हमारा खात्मा हो तो ईमान व इस्लाम पर हो। वाखिरु दावाना अलहम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम। सदर मोहतरम के नासिहाना गुफ्तगू के बाद